तो हेलो एवरीबॉडी, कैसे आप सब? आई होप अच्छे होंगे। मैं के पी संत आप सभी का न्यू ब्लॉग में स्वागत करता हूं गाइस। तो देख सकते हैं ये परथला चौक पर सिग्नेचर ब्रिज बनाया जा रहा है, जो कि ये 700 मीटर लंबा है और 80 करोड़ रुपए की मदद से बनाया जा रहा है। और ये 2020 में इसकी शुरुआत हुई थी और ख़त्म ये 22 में होगा। और देख सकते हैं कुछ इस तरीके का ये बन के कंप्लीट हो जाएगा, इस तरीके से ये दिखाई देगा। देख सकते हैं आप लोग तस्वीरों के माध्यम से और आप लोग इन्जॉय करो और जल्दी ही ये बन के कम्प्लीट हो जाएगा। तो देखिए ये चार मूर्ति गोल चक्कर के लिए चला गया है ग्रेटर नोएडा वेस्ट के लिए इधर। और देख सकते हैं सर ये इतना कंप्लीट कर दिया गया है। ये देख सकते हैं ये साइड वॉल लगा दी गई है और इस पर कंक्रीट भी बिछा दिया गया है। जो अर्थवर्क का काम है वो भी हो चुका है कंक्रीट। अब इस पर बस कुछ नहीं करना है, अब इस पर रह गया है आपका, इस पर ब्लैक टॉप होना रह गया है बाकी। और उसके बाद में देखिए वो बनना स्टार्ट हो जाएगा। ये बनाया जा रहा है सिग्नेचर ब्रिज कुछ इस टाइप का है। और ये जगह है परथला चौक गाइस, देख सकते हैं तस्वीरें। और ऐसे ही ब्लॉग्स देखो केपी संत के चैनल पर, जो कि केपी संत आप लोगों के बीच में लाता रहता है और आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देता रहता है मेरे प्यारे दोस्तों। और चलो मैं आप लोगों को आगे से ही दिखा देता हूँ कि क्या नज़ारे हैं यहाँ के। तो चलिए हम उसी के पास में चल रहे हैं और आप लोगों को फिर दिखाते हैं कि किस तरीके का यहाँ पर वर्क हुआ है। तो देख सकते हैं यहाँ पर बस अब ये ब्लैक टॉप होना स्टार्ट हो जाएगा, बाकी तो सारा काम हो गया। ये रोड़ी पथरी तो बजरी बिछा दी गई है, देख सकते हैं लेवलिंग भी इसकी कर दी गई है। और अब बस इस पर ब्लॉक टॉप होना है और उसके बाद में फिर ये सिग्नेचर ब्रिज बनना स्टार्ट हो जाएगा। और बहुत ही सुंदर आप लोगों को ये सिग्नेचर ब्रिज देखने के लिए मिलेगा ग्रेटर नोएडा वेस्ट के अंदर, जो कि परथला चौक पर बनाया गया है। और आपको बता दूं कि जो यहाँ से डेली के जो वाहन गुजरते हैं वो करीब 1.5 से 2 लाख के समथिंग, ये आपको बता दूं वाहन यहाँ से गुजरते हैं डेली। तो आप लोग तस्वीरें देख सकते हैं क्योंकि ये बीच का डिवाइडर बनाया जा रहा है। आप लोग खुद ही देख सकते हैं आँखों से कि इस तरीके से ये डिवाइडर बनाया जा रहा है। ये देख सकते हैं ये डिवाइडर भर दिया गया है, ये बीच का डिवाइडर है गाइस, ये देखो। और ऐसे ही ब्लॉग्स देखो केपी संत के चैनल पर, जो कि आप लोगों के बीच में कंटिन्यू लाता रहता है और आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देता रहता है गाइस। तो देख सकते हैं आप लोग तस्वीरें, जिधर भी आप नज़र उठा के देखेंगे उधर ही, क्योंकि इसको भी शिफ्ट किया था इन्होंने इलेक्ट्रिसिटी की, ये जो पोल्स जा रहे हैं ये इसको भी शिफ्ट किया गया है। देखिए ये शिफ्ट करे जा रहे हैं, इस पर लाइन लगाई जा रही है इलेक्ट्रिसिटी की। और देख सकते हैं कुछ इस तरीके से ये लोहे के ये पिलर हैं, मतलब गाटर हैं ये लोहे के। और देख सकते हैं कितने भारी भरकम है, ये लोहे के गाटर हैं और वो लगाए जाएंगे वहाँ पे। और फिर उसके बाद में इस रस्सी की टाइप की, जैसे कि हमारे दिल्ली में जो सिग्नेचर ब्रिज है उसी टाइप से ये बनाया जा रहा है। और उसके देख सकते हैं जो पिलर बनाए गए हैं, दो पिलरों पर ही ये खड़ा होगा गाइस। तस्वीरें आप लोग देख सकते हैं, देख सकते कि किस तरीके, इधर का तो कम्प्लीट हो चुका है, ये बीच के जो डिवाइडर का काम था वो भी कर लिया गया है। और बाकी ये नज़ारा आप लोग देख सकते हैं, आप लोग नज़ारा दिखाते हैं कि यहाँ का नज़ारा कैसा है गाइस, आपको नज़ारे देख के मज़ा आएगा। और देखो चारों तरफ ये ऊंची ऊंची टावर्स दिखाई देंगे आप लोगों को, कुछ इस तरीके से ये बनाया जा रहा है। देखो ये पिलर बना दिया गया है, देख सकते हैं ये पिलर पूरा बन के कम्प्लीट हो गया, इधर भी ये कम्प्लीट हो चुका है पूरा, देख सकते हैं आप लोग तस्वीरें, ये पूरा कंप्लीट हो गया है सारा। और देख सकते हैं नज़ारा कुछ ये है, ये यहाँ पर ये बनाया जा रहा है सिग्नेचर ब्रिज कुछ इस टाइप का। देखिए उधर का अभी ये साइड वॉल का काम चल रहा है, देखो तेजी के साथ में, उधर अभी नहीं बनाया गया है, इधर बना दिया गया है एक साइड में, जो कि चार मूर्ति की साइड में जाता है। ये चला जाएगा गाज़ियाबाद मेरठ की साइड में और ये चला जाता है दिल्ली और फरीदाबाद के लिए, बिल्कुल सीधा रूट है गाइस। तो देख सकते कुछ यही नज़ारा था। और ये चला जाता है परीचौक के लिए, ग्रेटर नोएडा परीचौक के लिए चला जाएगा। तो देख सकते हैं तस्वीरें, कुछ यही नज़ारा था गाइस। और ऐसे ही ब्लॉग्स देखने के लिए केपी संत को लाइक शेयर कमेंट करें ज़्यादा से ज़्यादा। और चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो कर लेना, नीचे है रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। और ऐसे ही ब्लॉग्स देखो केपी संत के चैनल पर, आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देता रहता है और आप लोगों को बताता रहता है गाइस। देख सकते हैं ये कंक्रीट ये पड़ा हुआ है कि ये भी डाले जाएंगे और लोहे के ये आपको जो गाटर हैं
ये वाले गाटर इस पर रखे जाएंगे, फिर इस पर ये रस्से से बांधे जाएंगे। देखिए उसमें वो छेद छेद भी आपको नज़र आ रहे होंगे, देख सकते हैं ये छेद छेद आ रहे हैं ना नज़र इसके अंदर, देखो वो, और उन्हें पे ये टिकाया जाएगा। इसलिए इनकी हाइट कुछ ज़्यादा ही दे रखी है इन पिलरों की, ये दो पिलर पर ही खड़ा होगा यहाँ का ये सिग्नेचर ब्रिज गाइस। तो चलिए ऐसे ही ब्लॉग्स देखने के लिए केपी संत को लाइक शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा, पर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, नीचे है रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। पर ऐसे ही ब्लॉग्स देखो केपी संत के चैनल पर गाइस। तो चलिए अब आपको उस साइड का दिखाते हैं चल के कि उधर कितना कुछ काम हो चुका है मेरे प्यारे दोस्तों। देख सकते हैं ये गाटर हैं, ये गाटर लगाए जाएंगे, ये उठाए जाएंगे उससे, देखिए कुछ यही सीन था यहाँ का। तो चलिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत गाइस। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ में आप सभी से, तब तक के लिए बाय बाय।